आइस, जिससे आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन की ब्राइटनेस बढ़ती है, आपकी स्किन का सन टैन रिमूव होता है और आपकी स्किन के जितने भी डार्क धब्बे होते हैं वो भी दूर करते हैं होते हैं। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं राइस की, और राइस से ही हम आज अपने चेहरे को ग्लो करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपसे राइस के DIY को शेयर किया हुआ है, बट आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से बताने वाली हूँ और इसे भी बनाना बहुत ही आसान और सरल है। तो ये देखिए, ये मेरा पैक है, ये देखिए इस तरीके का हमारा पैक कुछ बन करके रेडी होगा। और इसे आपको नहाने से पहले अपने पूरे स्किन पर अप्लाई करना है, यानी कि पूरी बॉडी पे आपको इसको अप्लाई कर लेना है और 15-20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना। उसके बाद आपको इसे रगड़ कर छुड़ा देना है और इसके बाद आपको अपना बाथ यानी कि शावर आपको अपना ले लेना। और ये DIY जो आप बनाएंगे ये बहुत ही आपकी स्किन को गोरा करेगी, आपकी स्किन को चमकदार बनाएगी और आपकी स्किन पे जो भी दाग धब्बे हो जाते हैं या धूप की वजह से बहुत ज़्यादा सन टैन भी हो गया हो वो भी रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का जो पेस्ट बन करके रेडी होगा, तो ये लगाने में ये देखिए बहुत ही ज़्यादा ये देखिए बेनिफिशियल है। और इसे आप देखिए इस तरीके से आप पूरी स्किन पर इस तरीके से लगा लीजिए। मैं तो अभी आपको थोड़ा सा ही लगा करके दिखा रही हूँ और इसे एक मिनट में ऐसा करती हूँ, मैं आपको पूरी स्किन पर अप्लाई करके दिखाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पैक बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच चावल और इसे हम पानी से साफ़ कर लेंगे ताकि जो इसमें डर्ट हो वो सारी निकल जाए, और इसे हम रात भर भीगने के लिए छोड़ देंगे। सुबह हम इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे रेमेडी बनाने के लिए। तो अब हम इसके लिए लेंगे 2-5 चम्मच और जो हमने बारीक पेस्ट बनाया है चावलों का वो भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं फ्रेश एलोवेरा। तो ये देखिए मैंने इसका पल्प निकाल कर रख लिया है और इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम मिक्स करने के बाद इसे हम एक पैन में गैस पर बिल्कुल स्लो आंच पर चढ़ा देंगे, क्योंकि हमें रेमेडी बनानी है। इस रेमेडी को आप 2-3 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके बाद गाढ़ा हो जाएगा। तो ये देखिए इसको हम उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए ठंडा करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे जो रेमेडी के लिए हमें पैक तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसमें डाला है राइस, एलोवेरा जेल, मिल्क, बेसन और मुल्तानी मिट्टी। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को गोरा चमकदार बिल्कुल ब्राइट करेंगी और ये एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी बन के तैयार होगी। इससे आपका चेहरे का रंग साफ हो जाएगा, क्योंकि बेसन भी रंग साफ करता है, मुल्तानी मिट्टी आपके चेहरे से ड्राइनेस दूर करती है और राइस और मिल्क भी आपकी स्किन से सारी डेड स्किन को निकालता है। तो ये देखिए हमारा पैक बिल्कुल रेडी है लगाने के लिए, बस मैं इसे अब आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगी। तो चलिए पहले हम इसे अप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से अपने स्किन पर, क्योंकि कोई भी चीज़ जब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ तभी आपको समझ में आता है कि नहीं इसका रिजल्ट कितना अच्छा आया है। तो इस तरीके से आपको, क्योंकि ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सा हमारा बिल्कुल थिक पेस्ट बना है, तभी ये हमारा बहुत बेहतरीन स्क्रब बन करके रेडी होगा, जिसको आप अपनी पूरी बॉडी पर लगा लीजिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने इसे लगा लिया इस तरीके से और इसे आपको 5-10 मिनट के लिए, मतलब सूखने में जितना भी टाइम लगता है, 5-10 मिनट या 15 मिनट जो भी लगता है उसे आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना मैं आपको बताती हूँ। सूखने के बाद ये इसको लगाए हुए मुझे 5 मिनट हुए, क्योंकि इस समय समर का मौसम है तो सूखने में तो टाइम ही लगता है। तो बस अब आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा और ये चीज़ अपने हाथों पे थोड़ा सा अप्लाई कर लेना है, इसको थोड़ा सा ऐसा ऐसे करके हाथों पर रब कर लेना है और आपको इस तरीके से आपको हल्के हल्के हाथ से इसको रगड़ कर, जैसे कि आप देखिए इस तरीके से रगड़ कर इसको पूरे स्किन से इस तरीके से छुड़ाना है आपको। देखिए इस तरीके से आपको रगड़ कर छुड़ाना, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ आपको नहीं चलाने हैं। और जब आप इसे छुड़ाएंगे तो आपको देखेंगे रिजल्ट कितना अमेजिंग रिजल्ट आया है।
देखिए पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ड्राई हो चुका है, और आपको इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए रगड़कर छुड़ा लेना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से, देखिए उतरता चला जाएगा आपकी स्किन से। बहुत अच्छा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, और इसे आप धो लीजिए। चलिए मैं धो के आपको दिखा लेती हूँ। बार बार खून पता, ये देखिए पूरी तरीके से मैंने इसे उतार लिया अपनी स्किन से। ये देखिए, और आपको देख रहे हैं चेहरे पे कितना ज़्यादा फ़र्क महसूस हो रहा है, और मैं जब धो के दिखाऊंगी तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए चेहरा मेरा बिल्कुल साफ और क्लियर हो गया है। तो ये जो आपका स्क्रबर है आप इसे ट्राई कीजिए, और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसे हफ्ते में आप कम से कम 3 बार ज़रूर ट्राई करें, और आप खुद फ़र्क देखें कि आपकी स्किन में कितना ज़्यादा ग्लो हो रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती है, आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होती है, अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कोई गलत चीज़ नहीं बताई है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।